ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक बहुत ही अहम रहनुमा है, साबिक वजीर दाखला भी रह चुके हैं। इनका नाम है तलाल चौधरी, फैसलाबाद से ताल्लुक रखते हैं। इनके हवाले से सोशल मीडिया पर कल से एक खबर वायरल पड़ी है। ये खबर siyasat.pk ने लगाई है, तो लिहाजा क्रेडिट उनको जाता है। सबसे पहले आप लोग स्क्रीन पर खबर देखें और मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं कि siyasat.pk ने तलाल चौधरी के हवाले से क्या खबर लगाई है। siyasat.pk के मुताबिक खातून MNA और तलाल चौधरी के दरमियान एक तवील अफेयर रहा है, जिसके बाद खातून MNA ने इनसे दोस्ती खत्म करके एक और सियासी रहनुमा के साथ ताल्लुकात कायम कर लिए थे। तलाल चौधरी की जानिब से खातून MNA का पीछा ना छोड़ने और उनके घर में घुसने की कोशिश पर खातून MNA के भाइयों ने तलाल चौधरी को जूतों की जबान में समझाने का फैसला किया और उन्हें पकड़कर पिटाई कर दी। तलाल चौधरी इस वक्त लाहौर के नेशनल अस्पताल में दाखिल है। इनके जिस्म की मुतअद्दिद हड्डियां टूट फूट का शिकार हुई है, जिसके बाद अस्पताल में इनकी सर्जरीज भी की गई है। बहुत नाजुक सूरत हाल है। तो ये खबर थी जो सोशल मीडिया पर वायरल थी। siyasat.pk ने यह खबर कल ट्वीट भी की और उसके बाद बहस शुरू हो गई कि ये खातून कौन है, किधर से ताल्लुक है इनका। तो खबर में वाज़े तौर पर लिखा हुआ है कि खातून MNA जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है, और मैं आपको बता दूं कि इस खातून का ताल्लुक भी फैसलाबाद से ही है। अगर आप लोगों को बहुत ही कोई इस तरह की शौक है जानने का, आप लोग जानना चाहते हैं कि ये खातून है कौन, तो आप जस्ट ट्विटर पर जाएं, अपनी सर्च बार में लिखें तलाल चौधरी इंग्लिश में या उर्दू में, आपको उस खातून MNA की तस्वीरें मिल जाएंगी। वो खातून MNA जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है और siyasat.pk के मुतालिक तलाल चौधरी के साथ उनका अफेयर था। शुगल मिले काम का काम हो गया। और खातून ने जब अफेयर खत्म किया तो उसके बाद तलाल चौधरी साहब मुबय्यना तौर पर सोशल मीडिया की खुशखबरों के मुताबिक टुन होकर उनके घर पर पहुंचे, वहां पर शोर शराबा किया, तो उस खातून MNA के भाइयों ने तलाल चौधरी का खूब फेंटा लगाया, इतना मारा, इतना कुट्टा के कहते हैं कि कुछ उनकी हड्डियां भी फ्रैक्चर हो चुकी है और उसके बाद उनको लाहौर लाना पड़ा। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान के मीडिया ने, जो मेनस्ट्रीम मीडिया है जिसको आप टीवी पर देखते हैं, जस्ट लाइक 92 न्यूज़, 24 न्यूज़, नियो न्यूज़, जियो न्यूज़, एयरवाई न्यूज़, उन्होंने इस कहानी को, इस स्टोरी को बिल्कुल भी कवर नहीं किया। इस हवाले से किसी किस्म की कोई भी खबर कल रात तक नहीं दी, क्योंकि मुस्लिम लीग नून का ये बंदा था, उसके हवाले से ये खबर थी, खातून का मामला था और खातून का ताल्लुक भी मुस्लिम लीग नून से है, छोटी मोटी कोई वर्कर नहीं है, वो एक खातून MNA है। तो लिहाजा मामला दबाने की कोशिश की गई, जिस तरह मीडिया मामलात को दबाता और उठाता है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। लेकिन सोशल मीडिया पर लोगों ने मुतालबा करना शुरू कर दिया कि जनाब मीडिया इस मामले में क्यों नहीं पड़ रहा। तो मीडिया ने बहुत ज्यादा सोच विचार करने के बाद खबर बना ली कि जनाब का एक्सीडेंट हो चुका है और बहुत ही बीमार है, रात गए उनका एक्सीडेंट हुआ और शदीद जख्मी है और इस वक्त नेशनल अस्पताल में दाखिल है। तो ये खबर जब मीडिया पर भी आ गई तो इस हवाले से सोशल मीडिया के सार्फीन ने बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया टीवी चैनल्स का कि यार कैसे आप लोग बंदे को बचा रहे हैं। हाँ, अगर ये तलाल चौधरी की जगह कोई PTI का बंदा होता और इस तरह की हरकत होती, MNA नहीं, MPA नहीं, छोटा मोटा कोई वर्कर होता, तो आपका ये मीडिया अब तक कम से कम 50 शोज कर चुका होता, कॉलम्स लिखे जा चुके होते, ट्वीट्स की जाती, टिकर्स चलाए जाते, ब्रेकिंग न्यूज़ बना दी जाती, वहाँ पर DSNG पहुँच जाती, हर लम्हा बलम्हा आपको खबर मिलती। मसला क्या है, क्योंकि यहाँ पर PMLN का बंदा है, उनकी इज्जत खराब हो रही है। तेरे में बिल्कुल भी गैरत नहीं है, तू है ही कोई बगैरत आदमी नहीं, तू तेरे जैसे बंदे को आदमी नहीं कहना चाहिए, तू खुसरा है, रोडों पे नाचने वाला बगैरत इंसान। इसके अलावा आपने जलसे देखे होंगे मुस्लिम लीग नून के, वहाँ पर मुस्लिम लीग नून के दानियाल अजीज, तलाल चौधरी किस किस्म की हरकतें करते हैं, आपको सारी स्टोरीज पता ही है। अगर नहीं पता तो आप जस्ट जाकर यूट्यूब पर सर्च करेंगे इनके हवाले से, तो आपको बहुत सारा डाटा वीडियो सबूत आपको मिल जाएंगे। तलाल चौधरी को अगर आप नहीं जानते तो मैं थोड़ा सा इनके हवाले से बता दूं कि जब ये किसी TV शो में बैठते हैं, प्रोग्राम में बैठते हैं करंट अफेयर्स के, तो वहाँ पर बैठ कर ये PTI की खवातीन की इज्जत रोलते हैं। ख़ास तौर पर जो PTI का धरना हुआ था उस हवाले से इंतहाई गलीज तरीन बातें करते हैं। तू सब तो बड़ा जलील है कायनात। और मुझे इन्हीं इसी चीज़ पर इनसे इख्तलाफ है, बाकी किसी चीज़ पर उनके इनसे इख्तलाफ नहीं। उनकी सियासत बहुत अच्छी हो सकती, बहुत अच्छे सियासतदान हो सकते,
लेकिन इखलाकी तौर पर यह बंदा इंतहाई गिरा हुआ इंसान है। तो जनाब तलाल चौधरी साहब कल रात से तो सोशल मीडिया पर वायरल थे, फिर मीडिया ने खबर दबाने की कोशिश की, लेकिन रात को शहबाज गिल साहब को बिल्कुल भी सुकून नहीं आया, तो उन्होंने भी एक ट्वीट कर डाला। ट्वीट क्या है आप लोग स्क्रीन पर देखें, मजा ले रहे हैं वो भी। शहबाज गिल साहब जो है वो भरपूर किस्म के मजे ले रहे हैं इस वक्त तलाल चौधरी को जो कुट पड़ी है, और वो डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा को कह रही हूँ उनकी सेहत का खास ख्याल रखा जाए। लाहौर पुलिस और CCPO लाहौर उमर शेख साहब को कह रहे हैं कि आप उनकी सिक्योरिटी फराम करो, इसको इस केस को आप खुद देखें कि इनको कुट क्यों पड़ी है। तू मेरा पुत्र छुट्टी का क्या? लेकिन मसला ये है कि बात क्लियर नहीं हुई। आपने मीडिया 2-3 चैनल्स पर खबरें चलवा ली, इससे बात मामला क्लियर नहीं होता। तो आप ये करें कि जस्ट उनका मेडिकल करवाए सरकारी अस्पताल से, मेडिकल में पता लग जाएगा कि आया कि उनका एक्सीडेंट हुआ है या उनको कुट पड़ी है। दूसरी मजे की बात, मीडिया ने जब यह खबर रिपोर्ट की, ना गाड़ी की तस्वीर दिखाई, ना तलाल चौधरी की तस्वीर दिखाई, ना गाड़ी का नंबर बताया, ना ये बताया कि ये किस रोड पे एक्सीडेंट हुआ, ना ये बताया कि गाड़ी उनसे टकराई या इनकी गाड़ी ने किसी और जगह पे टक्कर मारी, गाड़ी फुटपाथ पर लगी, गाड़ी ट्रक में लगी, ट्राली में लगी, खोती रेडी में लगी, किस में लगी, कुछ नहीं बताया गया इस हवाले से। नहीं, ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। जिससे साफ जाहिर होता है कि मीडिया मुनाफकत कर रहा है, झूठ कर रहा है, असल कहानी को दबा रहा है। असल कहानी वही है जो Siyasat.PK ने लगाई है, और Siyasat.PK अपनी खबर पर कायम है। शुगल मिले काम का काम हो गया कि खातून मैंने के साथ उनका अफेयर था, खातून मैंने ने अपना अफेयर इनके साथ खत्म कर दिया, तर्क कर दिया, जिस पर तलाल चौधरी साहब को गुस्सा आ गया। और मुबैना तौर पर यह भी कहा जा रहा है कि उस खातून MNA ने किसी और सियासतदान के साथ ताल्लुक कायम कर लिया है। तलाल चौधरी को मजीद गुस्सा आ गया, वो उनके घर पर पहुंचते हैं, घर पहुंच कर बहुत नाजुक सूरत हाल है, तोड़फोड़ या शोर शराबा करने की कोशिश करते हैं, जिस पर खातून MNA जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, उनके भाई बाहर निकलते हैं और तलाल चौधरी को खूब फेंटा लगा के मारते हैं। उनके कहा जाता है कि उनकी कुछ हड्डियां भी टूट गई है। वहाँ से उनको फैसलाबाद में इलाज किया जाता है, फैसलाबाद में उनका इलाज मुमकिन नहीं होता। जिस तरह लाहौर में, पंजाब में एक खास कहावत मशहूर है कि इन्हें नहीं बचना, इन्हें लाहौर ले जाओ, तो उसी पर अमल करते हुए तलाल चौधरी साहब को लाहौर नेशनल हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाता है, उसके कमरा नंबर 501 या 504 कहीं पर भी वो पड़े हुए हैं। बहुत से सोशल मीडिया के जो दीगर वेबसाइट्स हैं वो लोग भी दावे करते रहे, वो भी बताते रहे कि जनाब इनको कुट पड़ी है, लेकिन हमारा मुनाफिक मीडिया उस मामले को दबाता रहा, छुपाता रहा, लेकिन वो छुपाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है। तू सब तो बड़ा जलील है कायनात। असल कहानी क्या है आप लोगों को पता चल चुकी है। अगर आपने मजीद इस पर रिसर्च करनी है तो जस्ट जाए ट्विटर पर, तलाल चौधरी का नाम लिखे, सारी कहानी आप लोग के सामने खुलकर आ जाएगी। कैसे दिया आपको है? नहीं दिया। अच्छा, उम्मीद करता हूँ ये तमाम मालूमात आपको बहुत पसंद आई होंगी। No, God, please, no. पसंद आई है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन के आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी हर नई आने वाली अपडेट आपको मिलती रहे। अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिए। पाकिस्तान पाइंदाबाद।